देखिए, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में रामनवमी पर हिंसा और आगजनी के बाद तनाव जारी है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भविष्यवाणी कर दी। ममता बनर्जी का कहना है कि हनुमान जयंती पर भी हिंसा होगी। ममता के बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल कल यानी कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हनुमान जयंती के दिन भी हिंसा हो सकती है और उनके इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता की पार्टी ने पहले से हिंसा का प्लान जो है वो बनाया हुआ है। यानी कि इस बात को लेकर जब बयान दिया जाता है कि हनुमान जयंती पर भी हिंसा हो सकती है, मतलब तैयारी स्थिति को नियंत्रण में रखने की शायद नहीं है। तीन तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा में कैसे हिंसा और पथराव किया गया वो आप समझ पा रहे हैं। हुगली में आगजनी की गई है, जो ट्रेन थी उनको निशाने पर लिया गया, वहां पर पत्थरबाजी की जाती है। और आप कल जब हनुमान जयंती 6 तारीख को देखिए यहाँ पर रहने वाली है, तो उसको लेकर भी भविष्यवाणी जो है सूबे की मुखिया की ओर से कर दी गई है कि इसी तरह की स्थिति उस दिन भी होगी। तो इसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर। दिन एडमिनिस्ट्रेशन के सतर्क करब, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। দেখিয়ে মমতা ব্যানার্জি কা এ বয়ান গ্যার জিম্মেদারানা হ্যায়। ও এক রাজ্য কি মুখ্যমন্ত্রী হ্যায়, उनका काम है राज्य में माहौल ना बिगड़े। उल्टा वो सरेआम मन से ये कह रही हैं कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हिंसा होगी। ममता के बयान पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने हमला किया है और कहा कि ममता बनर्जी पहले से पूरी परिकल्पना तैयार कर रही हैं। ये सब वो 30% मुस्लिम वोट पाने के लिए कर रही है। ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये निशाना ममता बनर्जी पर साधा गया। काम पे नहीं लगाया, फिर से दो दिन बाद फिर से ऐसा क्यों? कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई प्रिकॉशन नहीं था। तो पुलिस लोग एकदम देख रहे थे दर्शकों के, जनता के साथ कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। ये पूर्व प्लानिंग है, आज पहले से प्लानिंग करके ये सब करा रहे हैं ममता बनर्जी। रामनवमी के नाम पर ये जो हो रहा है रिसेंट फेज में, ये कभी हमारा भी बचपन 56 साल हो गया, बचपन से कभी पूरा देश में कभी भी रामनवमी में ऐसा आर्म्ड जुलूस और इतना प्रोवोकेटिव जुलूस इंटेंशनली दंगा फसद करने का मकसद में जुलूस कभी नहीं देखा। बंगाल की हालत ऐसी हो गई है कि वह हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्यौहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। निकलेगा तो उसके ऊपर पथराव होगा, आक्रमण होगा, महिलाओं पर अत्याचार होगा। और जो सरकार है कानून व्यवस्था संभालने की उनकी क्षमता नहीं है। धीरे धीरे रसातल में जा रहा है बंगाल। आर्थिक जैसे कि भ्रष्टाचार हो रही है, उसी प्रकार प्रशासनिक भी सारा डामाडोल चल रहा है और खुद संभाले न जा रहे तो दूसरे ऊपर इशारा थोप रहे हैं। देखिए, हुगली में 2 अप्रैल को हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। लोग अभी तक दुकानें खोलने से भी डर रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता तमाल शाह ने जो ग्राम रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखाते हैं। एक दिन बाद हुगली जिला में रिश्ता की उसी प्रांत में जब हम लोग फिर से आए, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सारे दुकानें बंद है और सरकार की तरफ से कहा गया है सिर्फ इंटरनेट रद्द किया गया है एक दिन के लिए, बाकी दुकान खोलने से किसी को मना नहीं किया। लेकिन सारे दुकानें बंद इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ बैठ गया है। ट्रैफिक मूवमेंट बहुत कम है लेकिन मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि सड़क बंद है। आप देख सकते हैं टोटो ऑटो बाकी सारे गाड़ियाँ चल तो रही है लेकिन इंसान की मौजूदगी सड़क पे बहुत कम है। चारों तरफ दुकानें बंद है। ये वही रास्ता है आगे में जहाँ पे पथराव भी हुआ और इस जगह पे तनाव का एक माहौल था। पुलिस ने फोर्सेस के माध्यम से इस इलाके की एक एरिया डोमिनेशन भी की ताकि लोग बाहर निकल पाए, लोगों में डर ना रहे और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शांति बरकरार रहे।
बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के पीछे कौन सा टूलकिट काम कर रहा है? क्यों हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा भड़क गई? टाइम्स नाउ ने भारत पर बंगाल हिंसा का पूरा चैप्टर आपको दिखाएंगे। बंगाल में दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों दंगाई इतने बेखौफ है और क्यों हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, इसका पैटर्न जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए दंगाइयों को डिकोड करने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर रामनवमी की शोभा यात्रा दिखे तो उस पर पत्थर बरसाओ। अगर हिंदुओं की भीड़ नजर आए तो हमला करके लहूलुहान कर दो। अगर डंडा चले तो सिर्फ हिंदुओं को ही पिटवाओ। गौर से देखिए भीड़ में शामिल दंगाइयों में 10 से 12 साल के बच्चे के हाथ में डंडा है। वो पत्थरबाजों की जवाब में शामिल है और इस डंडे से वो जान बचाने के लिए भागते हुए एक शख्स को मारता है। ये पश्चिम बंगाल में दंगाइयों का वो प्लान जिसमें नफरत हिंदुओं के त्योहार से, टारगेट पर हिंदुओं के मोहल्ले और मकसद रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाना। ये कितना सारा बाइक तोड़ के ये लोग ये कर दिया है। लोग देखिए सब मुस्लिम है, सब मुस्लिम है, देखिए सब मुस्लिम है। पुलिस सब क्या कर रहे हैं, सारे ममता बनर्जी के सलाह है, सारे ममता बनर्जी के। अरे जाइए ना आप लोग, देखिए कैसे मार रहे हैं लोग, देखिए दिख रहे हैं, देखिए देखिए कैसे पत्थर मार रहा है पुलिस पर, देखिए देखिए कैसे पत्थर मार रहा है लोग। हावड़ा से लेकर हुगली तक बीते 100 घंटे में जो तस्वीर दिखी उसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरीज वायरल। पहली थ्योरी ये कि हर बार हिंदुओं पर ही हमले हो रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये कि ममता सरकार कानून के मोर्चे पर फेल हो रही है। और तीसरी थ्योरी में खास मजहब के लोगों को उपद्रवी बताया गया। यही वजह कि लहूलुहान होती पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल गुस्से में और पत्थर फेंकने वालों को सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। मोबोक्रेसी कैनॉट डीरेल डेमोक्रेसी ऑन द स्ट्रीट। We are determined, the state is determined to put an end to this arson and looting. The lawbreakers and their abettors will soon realize they are playing with fire. राज्यपाल जो बात कहते हैं वो एक तरह से केंद्र सरकार के लाइन होती है और यही वजह है कि गृह मंत्रालय सुलगते पश्चिम बंगाल का हाल देखकर सुपर एक्टिव हो गया। ममता बनर्जी बीते कुछ महीनों के दौरान कोलकाता से दिल्ली आने का जो सपना देख रही थी वो फिलहाल तो पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा। रामनवमी के दिन जब पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं हुई उसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के राज्यपाल को फोन कर वहां की स्थिति का जायजा लिया और राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद सेंटर की 10 टुकड़ियां पश्चिम बंगाल में डिप्लॉय कर दी गई। दरअसल आरोप यही लग रहा है कि इस पूरी हिंसा के पीछे वहां की रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को फोन न करके सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर से वहां के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लिया। हुगली में रविवार को शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, आग लगाई गई, एक विधायक को घायल किया गया। ये सब अचानक तो नहीं हुआ, क्योंकि हिंसा का जो पैटर्न हावड़ा में दिखा ठीक वैसा ही पैटर्न हुगली में नजर आया। जिस तरह हावड़ा में हिंदुओं की दुकानों को नुकसान पहुंचाया ठीक उसी तरह हुगली में हिंदुओं की गाड़ियों को तोड़ा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की और 5 अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जमा करने के आदेश दिए, तो बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि वो क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी अनुमति पर ये जुलूस निकला था। ये अलग बात कि ममता बनर्जी को इतने के पर भी हिंसा के बाद एक्शन की चिंता कम है और वोट बैंक की फिक्र ज्यादा। अरे बीजेपी रामोल देखछि दंगाबाजी, रोजार मास चलछे, रमजान मास चलछे, अन्नपूर्णा पूजा चलछे, केनो बाबू
রামনবমীর মিছিল পাঁচ দিন হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। স্থিতি সামান্য হোনে কি সম্ভাবনা দিখ রই হে? জিস জগা পে ইয়ে ঘটনা ঘটি থি উস জগা পে সেকশন 144 লগায়া গয়া হে, ইন্টারনেট অভি ভি সাসপেন্ডেড হে অর উস জগা পে কিসি কো অন্দর নহি জানে কি অনুমতি হে। ইসিলিয়ে বিজেপি কা জো প্রতিনিধি দল হে जिसमें सांसद और स्टेट की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकांत मजूमदार खुद है, वो जाने की कोशिश की लेकिन उनको जाने की अनुमति नहीं दिया गया। बंगाल में दंगाई इतने ज्यादा बेखौफ क्यों? ये सवाल हर किसी को बार बार चुभ रहा है। हम थोड़ा रिवर्स में और जाने की कोशिश की कि इतनी बड़ी हिंसा अचानक बंगाल में क्यों होती। तो जून 2022 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना के कुछ इलाकों में फुरफुरा शरीफ ने जब हंगामा किया तब ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। उस वक्त मौलवी को नोटिस देकर मामला रफा दफा किया गया। इस कार्रवाई के बाद ये मैसेज गया कि मुसलमान वोट बैंक और इसलिए ममता की दंगाइयों पर ममता बनी हुई। 10 अप्रैल 2022 को हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ जिसमें 10 लोग घायल हुए। मामला कोर्ट में 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा हुई जिसमें 14 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मामला कोर्ट में 2018 में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा हुई, 10 लोग मारे गए और आए नतीजों में टीएमसी को भारी जीत हुई। 2016 में धूलागढ़ में सांप्रदायिक हिंसा हुई, 25 लोग घायल हुए, जांच जारी है। ये आंकड़े जिनके बिना पर बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर बंगाल का इस्लामीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार प्लान भूली कर रही है, इसलिए कि माइनॉरिटी वोट जो विधानसभा इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ उसमें हट गया है, उसको फिर से रिकॉन्सोलिडेट करने के लिए वो लोग एक शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के ऊपर हमला हो रहा है, ये कैसे होगा? आज वो भी सिर्फ मस्जिद के ऊपर से विशेष एक संप्रदाय के लोग कर रहे हैं। मस्जिद पार होते ही क्यों होता है? मस्जिद के ऊपर से बम गिर रहा है, ईंट गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, हमें बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? और वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में हावड़ा में श्रीरामपुर में इसी एरिया में होता है। दुर्भाग्य है ये ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जानबूझ के करवाती है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हिंसा, बार बार हिंदुओं की शोभा यात्रा को टारगेट किया। इसे लेकर हुगली से बीजेपी विधायक ने 2 अलग अलग चिट्ठियां लिखी, एक चिट्ठी गवर्नर को तो दूसरी गृह मंत्रालय को। पहली चिट्ठी में गवर्नर से कहा कि हिंसा में हिंदू शिकार हुए मगर पश्चिम बंगाल पुलिस हिंदुओं को ही हिरासत में ले रही है, और दूसरी चिट्ठी में हिंदुओं के त्योहारों पर बंगाल में सेंट्रल फोर्स को तैनात करने की अपील की। ये चिट्ठी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है और ममता बनर्जी ने अभी से उस दिन की तस्वीर अपने दिमाग में सेट कर ली। কাল কে রিশরা তো মিছিল করার পরে করেছে, আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও, 6 তারিখটা আমরা বজরংবলী কে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোন প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন, সারা ভারতবর্ষে করছে। पश्चिम बंगाल का इतिहास राजनीतिक हिंसा और बवाल से भरा है मगर बीजेपी बीते कुछ सालों में पश्चिम बंगाल की जिस डेमोग्राफी को बदलने का दावा कर रही है उस आंकड़े पर मोहर लगाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिंदू आबादी 0.7% कम हुई जबकि बंगाल में हिंदुओं की आबादी कम होने का आंकड़ा 1.94% है। जबकि देश में जहां मुसलमानों की आबादी 0.8 बढ़ने का दावा किया जाता है तो बंगाल में मुस्लिम आबादी 1.77% की दर से बढ़ी जो कि राष्ट्रीय स्तर से 2 गुनी। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर ऐसे इलाके जहां हिंदू कम और मुस्लिम ज्यादा हैं। मुर्शिदाबाद में 47 लाख मुस्लिम हैं तो हिंदू 23 लाख, मालदा में 20 लाख मुस्लिम हैं तो हिंदू 19 लाख, उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और 14 लाख हिंदू हैं। मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ से पत्थर आ रहा है, पुलिस जानते हुए घटना हो रही है और हमको भगाया जा रहा है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पत्थरबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं। सब कुछ उनका जो है पूर्व
पहले ही से ही वो सोच के रखे हैं कि इस तरीके का गड़बड़ करेंगे, इस तरीके का अशांति करेंगे। हम लोग इसको तीव्र भाषा में निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और हमने जैसे कहा कि राज्य सरकार अपनी ओर से आईन व्यवस्था जो है और कानून की व्यवस्था और शांति की पुनः प्रतिष्ठा हो वो कोशिश में है। एक तरफ हिंदुस्तान के विकास की सूत्रधारा सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास है, तो पश्चिम बंगाल में मजहबी विचारधारा को बढ़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान सबका है, इस ध्येय वाक्य पर सबको अमल करना चाहिए, सभी धर्मों को एक नजर से देखना चाहिए, फिर चाहे वो बंगाल हो या कोई और राज्य। पश्चिम बंगाल के हुगली से कमाल साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और रामनवमी पर हिंसा की वारदातें बिहार में भी हुई। तनाव के बीच इफ्तार पार्टी में नीतीश के जाने पर क्यों हुआ सियासी बवाल आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 7:50 पर आप देखना ना भूलेगा हमारा खास शो भाग्य योग।